सो हे गाइस, क्रेजी गेमर्स बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और गाइस, आज के इस वाले गेम प्ले को आप लोग पूरा देखते रहो, क्योंकि भाई आज का ये वाला गेम प्ले इतना ज्यादा तबाहीदार होने वाला है ना, मैं क्या ही बताऊं। अब यहाँ पे देखो, हम लोग पार्क में क्यों नहीं आए, क्योंकि पार्क जो है दोनों पार्क प्लेन पाथ में नहीं थे, तो मैंने सोचा कि भाई पोचिंकी चला जाए। पोचिंकी में कोई ना कोई बंदे तो आएंगे, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं रहता, यहाँ पे एक बॉट तक नहीं आता। तो यार फटाफट इधर से लूटते और फिर पार्क में चलेंगे। वैसे गेम प्ले में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ। ये भाई का चैनल जो है भाई बहुत ही सही कंटेंट डाल रहे हैं, और इनका जो मेन चैनल था गाइस वो हैक हो चुका है, इसलिए भाई इन भाई को सपोर्ट करो। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इन्होंने अभी अभी नया चैनल बनाया, एक दो मंथ ही हुए होंगे, तो गाइस प्लीज जाकर सपोर्ट करो भाई को। और ये भी पबजी मोबाइल के कॉन्टेंट डालते हैं गेम प्ले से रिलेटेड, तो आप लोग सपोर्ट कर सकते हो। अब कोचिंग की से लूट वगैरह करके हम लोग ये वाले पार्क पे आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्क था भाई बहुत ज़्यादा करीब था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं ना, तो पहले तो हम लोग को कोई भी नहीं स्पॉट होता, और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ इतने मेरे को पीछे की तरफ से फुटस्टेप आने लगते हैं। और बस यहाँ से तुम वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी टीम आएगी ना, मैं क्या ही बताऊँ। सबसे पहले ESP वाली पावर यूज़ करते, और देखते जरा बंदे कहाँ कहाँ हैं। अब इस पार्क में सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे रहते हैं, लेकिन भाई इसके बाहर यानी कि ओपन एरिया में बहुत सारे बंदे रहते हैं। कुछ बंदे सामने की तरफ है और कुछ बंदे लेफ्ट की तरफ है, तो फटाफट लूटते हैं और फिर उन बंदों को भी देखेंगे। Marked a location. अब यहां पे देखो, सामने की तरफ दो टीम रहती है, जिनमें से कि दो बंदों को मैं किल चुरा लेता हूं, और एक बंदा हमारे ऊपर रश करने के लिए आता है, जो कि भी हम मोली कर रहा था, तो इसकी भी हम लोगों ने पेटी बना दिया। मेरे को लगता है कि अभी भी वहां की तरफ बंदे बचे हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी बग्गी उठा के रश करता हूँ, और इतने में एक पूरी की पूरी फुल टीम हमारे पीछे पड़ जाएगी। और बस देखो वहां पे जो सीन होंगे ना भाई, बहुत ही गलत होंगे, बस देखते जाओ तुम। Marked a location. अब यहाँ पे इस टीम के मैं तीन बंदों को नॉक कर देता हूँ, और मुझे लग रहा था इसका लास्ट बंदा जो यहाँ पे नहीं है, तो मैं आगे की तरफ जा रहा था, और तभी देखो क्या सीन होते हैं। और तभी इस टीम का लास्ट बंदा यहां से निकलता है, और भाई इसकी पोजीशन बिल्कुल भी नहीं पता थी, क्योंकि ये बंदा पेड़ के पीछे था। और भाई फाइनली इसी के साथ इस बंदे की भी यहां पे मैं पेटी बना देता हूं। तो वैसे आप लोग को ये वाला क्लच कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो ना तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, और हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 500 के सब्सक्राइबर्स के भाई बहुत ही ज्यादा क्लोज है, और हो सके तो भाई इस मंथ 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। अब इन बंदों की पेटी बनाने के बाद इनको हम लूटते हैं। लूटने के बाद हम लोग यहाँ से जाते हैं, क्योंकि हमने जो बग्गी छोड़ के रखी थी वो वहीं पे थी। और जैसे हम लोग बग्गी उठाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, और बस देखो फिर अब
भाई ये तो रहते अपने सामान्य आदमी बोर्ड दादा, लेकिन ये इसकी बात नहीं कर रहा था मैं। अब यहाँ पे एक बंदा आएगा जो कि भाई बाइक से आएगा, और बस देखो उसको कैसे पेलते हैं जरा। आ रहा है मेरे पे। आया रुक गया, यूज करो। पीछे से, पीछे से, लेफ्ट साइड। और ये भैया जी यहाँ पे खड़े होके मस्त हील कर रहे थे, मतलब एनर्जी ड्रिंक लगा रहे थे ताकि ये बंदा जो है हम लोग को 1v2 कर जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इनके सपनों पे जो है पानी फेर देते हैं हम, तो यार निकलते हैं यहाँ से। अब कोई भी बंदे नहीं बचे यहाँ पे। अब ये वाली जगह से निकलने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ की तरफ किसी ने एक फ्लेयर चला रखी थी। और यहाँ पे हम लोग जैसे ही आते हैं तो हम लोग को ओपन में कुछ बंदे आते हुए दिखते हैं जो कि अपनी फ्लेयर लूटने आ रहे थे। तो बस देखो इनके साथ क्या ही सीन करेंगे अपन। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे रहते, ऐसा हम लोग को लग रहा था, क्योंकि भाई दो ही बंदे ओपन से जा रहे थे। और इन दोनों बंदों की हम लोग पेटी बना देते हैं, और इनकी पेटी बनाने के बाद इनको लूटते हैं, और इनकी जो फ्लेयर है वो भी लूटते हैं। और जैसे मैं फ्लेयर लूटने के लिए जाऊंगा तभी मुझे गंदी वाली पड़ेगी, और बस देखो फिर यहाँ पे क्या ही सीन होंगे। Marked a location. और भाई ये बंदा बहुत सही खेल रहा था, क्योंकि जो इसका स्प्रे था ना वो मेरे टीममेट की एचपी देख के मैं समझ गया भाई, लिटरली 1 HP बची थी मेरे टीममेट की। और अगर ये बंदा मेरे पे स्प्रे देता ना तो भाई मैं नॉक हो जाता, क्योंकि मैं लेटा लूटा पड़ा था। अब शायद से इसके बंदे यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो तो आगे जाके चेक करना पड़ेगा है कि नहीं इसके बंदे आगे। अब यहाँ पे देखो इस बंदे का मुझे किल तो मिल जाता है, इसका मतलब यहाँ पे इसके बंदे वगैरह तो है नहीं। और यहाँ पे भाई इसका माल बूल भी देखो पड़ा रहता है, इसका मतलब ये बंदा जो है सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहा था या फिर रैंडम के साथ खेल रहा था, इसलिए इसके टीममेट जो इसको बचाने ही नहीं आए। देखो क्या ही सामान फेंक के गया है। तो यार फटाफट इसको लूटते हैं, और फिर एक फ्लेयर भी दिखी हम लोग को भाई, जो कि राइट की तरफ है, उस पर चलेंगे अब। पिनबोर्ड दादा की पेटी बनाने के बाद हम लोग सीधा आ जाते हैं भैया फ्लेयर पे। और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ इतने मेरे को स्क्वाड हाउस के पास एक गाड़ी चढ़ी हुई दिखती है, और इतने मेरे को राइट की तरफ एक डासिया जाती हुई दिखती है, और बस देखो फिर अब यहाँ पे मैं इन बंदों को मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई बीच में पेड़ आ जाता है और वो बंदे गाड़ी से निकल जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो बंदे भागे होंगे, अगर वो बंदे फ्लेयर वाले होंगे तो भाई बिल्कुल नहीं भागेंगे, क्योंकि उनके पास लेवल 3 की लूट है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो फ्लेयर वाले ही बंदे हैं, तो भाई चल के चेक करते हैं उनको। और भाई जैसा कि मैंने बोला था ये फ्लेयर वाले ही बंदे हैं भैया, ये भागे नहीं है। तो यार फटाफट अपनी ESP वाली पावर इस्तेमाल करते और जरा पेलते हैं इनको।
और भाई मैं तुमको सही बता रहा हूँ, अगर इस वाली जगह पे मेरे पास ग्रोजा नहीं होती ना, तो ये बंदा मेरी 100% पेटी बना देता। क्योंकि भैया उसने इस कारल से मुझे इतना ज़्यादा डैमेज दे दिया, इसका मतलब भाई बहुत सही खेल रहा था वो बंदा। अब खैर यार जो भी हो, यहाँ पे हम दोनों ने इनकी पेटी बना दी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे रहते हैं, तो यार फटाफट थोड़ी सी लूट करते हैं फिर निकलेंगे यहाँ से। अब ये वाली जगह से निकलने के बाद हम लोग जा रहे थे स्कूल अपार्टमेंट, इतने मेरे को सामने की तरफ एक डासिया जाती हुई दिखती है जो कि नीली कलर की, आई होप कि आप लोग को दिख गई होगी। और उस डासिया को हम लोग जैसे ही देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फायर कर देते हैं ताकि वो बंदे रुक जाएं। और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ इतने में ESP वाली पावर इस्तेमाल करते हैं, भाई सीधा रश करेंगे फिर। यहाँ पे मैं इन बंदों को मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये जो बंदे रहते हैं भैया गेट के पास बैठे रहते हैं। इतने मेरे टीममेट से यहाँ पे मैं नेड मांगता हूँ, और यहाँ पे नेड मैं फेंक ही रहा था तभी मेरे को साउंड आता है कि एक बंदा नीचे कूद चुका है, और भाई इस बंदे ने यही सबसे बड़ी गलती करी है, तो जरा पेलते हैं उसको। अब ये बंदा भी आता है हम लोग की पेटी बनाने के लिए, लेकिन भाई इसके टीममेट ने यार बहुत बड़ी गलती कर दी नीचे कूद के। अगर ये बंदे ऊपर ही TPP लेके बैठे रहते तो शायद हम लोग को मार सकते थे, क्या ही कर सकते यार बेचारों की पेटी बन गया। अब खैर यार जो भी हो, यहाँ पे हम लोगों ने इनको लूटा, लूटने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए क्योंकि अभी बंदे बाकी हैं। अब अपार्टमेंट से निकलने के बाद हम लोग फिर से आ जाते हैं यसनाया साइड, और यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ इतने मेरे को छत के ऊपर एक बंदा स्पॉट हो जाता है, और बस देखो फिर यहाँ पे क्या ही सुनूंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सामने की तरफ दो बंदे हैं, लेकिन भाई दिक्कत की बात यह है कि राइट की तरफ भी एक पूरी की पूरी टीम है, शायद से पूरी टीम है या दो बंदे भी हो सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। लेकिन हाँ राइट की तरफ एक टीम है, और यहाँ पे हम लोग को जल्दी से जल्दी इनके ऊपर रश करना पड़ेगा, नहीं तो ये बंदे तो मारेंगे मारेंगे, साथ में भैया राइट वाले बंदे भी मारेंगे। Marked a location. अब यहाँ पे देखो इन दोनों बंदों की तो मैं पेटी बना देता हूँ, लेकिन भाई ये बंदे नॉक हुए थे, इसका मतलब सामने की तरफ जो बंदे हैं वो इसी टीम के बंदे हैं। अब यहाँ पे मेरा टीममेट सामने की तरफ एक बंदे को नॉक कर देता है AWM से, तो भाई फटाफट रश करते हैं उनके ऊपर।
और भाई सच में इन बंदों को मारने में हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लगा, क्योंकि भाई इनके पास टीपीपी का एडवांटेज था, वो तो मैंने आपको वीडियो काट काट के बताया है। अब खैर यार जो भी हो, यहाँ पे इन दोनों बंदों की तो मैंने पेटी बना दी, और अब बच चुका है लास्ट बंदा, और वो लास्ट बंदा भी हम लोग को यहीं पर दिखता है। देखो और गाइस इस लास्ट बंदे के साथ में हो जाता है हमारा इजी चिकन डिनर। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना था। गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गाइस मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिया थैंक्स फॉर वॉचिंग।